नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यभर में दिखा योग दिवस पर जोश। सभी सरकारी और निजी विद्यालय में होगी कंप्यूटर आधारित डीएलएड प्रवेश परीक्षा। कोरोना के बीच राहत भरी खबर। 30 जिलों में बहाल हुई इंटरनेट सेवा। अश्विन हुए कोरोना पॉजिटिव। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य भर में दिखा योग दिवस पर जोश। शारीरिक योग बड़ी से बड़ी बीमारियों का एक आसान इलाज है। आज देश भर सहित दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस बीच बिहार के लोग भी योग दिवस में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी समेत अन्य जिलों में लोगों ने एक साथ मिलकर योग किया और लोगों के बीच योग को लेकर अच्छा संदेश देखने को मिला। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंगलवार को देश और दुनिया के लोगों को बधाई दी है और कहा है कि योग समाज, राष्ट्र और विश्व के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में शांति लाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पटना के शिवाजी पार्क में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा, पंकज कुमार के साथ कई भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने योग किया। 20 जिलों में बहाल हुए इंटरनेट सेवा। इंटरनेट के युग में सबसे ज्यादा दंगे इंटरनेट के जरिए ही भड़काए जाते हैं। इसको देखते हुए और प्रशासन की सूझबूझ से दंगा भड़काने वाले दंगाइयों पर लगाम लगाने के लिए करीब बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पूरे 3 दिन इंटरनेट सेवा ठप रही, साथ ही कई ऐप पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। हालांकि बीते दिन देर रात इन अधिकतर जिलों में एक बार फिर से इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। वहीं बचे हुए जिले में आज इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। मालूम हो कि राज्य सरकार ने पहले 17 जून को 15 जिलों में और फिर 19 जून को 5 अन्य जिलों में इंटरनेट पर रोक लगा दी थी। सभी सरकारी और निजी विद्यालय में होगी कंप्यूटर आधारित डीएलएड प्रवेश परीक्षा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग ने बीते दिन एक बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि राज्यभर में बीएड और डीएलएड कॉलेजों में नामांकन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही होगी। इसके मुताबिक सभी निजी संस्थान सहित डीएलएड की 2022-24 सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा अगस्त में आयोजित करेगी। वहीं दूसरी तरफ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार में डीएलएड नामांकन पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। आपको यह भी बता दें कि 1 सप्ताह बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगस्त महीने में कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आज से शुरू हुआ 50 से अधिक ट्रेनों का परिचालन। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। लंबी दूरी के 50 से अधिक ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू हो चुका है। पूर्व मध्य रेलवे ने राज्य के विभिन्न शहरों से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत अन्य जगहों के लिए लंबी दूरी वाली ट्रेनों का परिचालन पुनर्बहाल कर दिया है, जिसमें बिहार संपर्क क्रांति, सत्याग्रह एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जनहित एक्सप्रेस, सप्त क्रांति, अवध एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस जैसी 2 दर्जन ट्रेनें शुरू हो गई है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यह संक्षिप्त जानकारी अगर आपको ट्रेन की पूरी लिस्ट देखनी है या फिर इससे जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो पूर्व मध्य रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु रहमान ने वीडियो जारी कर खुद को बताया निर्दोष। अग्निपथ स्कीम को लेकर बीते दिन रहमान सर के कोचिंग संस्थान अदम्य अदिति गुरुकुल और उनके आवास पर छापेमारी की गई थी। गुरु रहमान पर अग्निपथ स्कीम को लेकर छात्रों को उकसाने का आरोप है। इसके बाद गुरु रहमान ने वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में गुरु रहमान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत ठहराया। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर के जो भी घटना हुई है उसमें मेरी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं है। 1994 से ही मैं पढ़ा रहा हूं और हमेशा बच्चों के प्रति ही डेडिकेटेड रहता हूं। मेरी कोचिंग पर 70 से 80 की संख्या में छात्र गुरुवार को आए थे और ट्रेन की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको समझाया था ठीक है ट्रेन रोक सकते हो तो रोको, लेकिन कोई हिंसात्मक कार्य नहीं करना, इससे तुम्हारा पूरा करियर खराब हो सकता है। बिहार में पहली बार डिप्टी मेयर के पद के लिए दिया जाएगा आरक्षण। बिहार में पहली बार डिप्टी मेयर के पद पर आरक्षण दिया जाएगा। मालूम हो कि बिहार में नगर पालिका आम निर्वाचन में मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर सीधे चुनाव हो रहा है। इस बीच राज्य में नगर पालिकाओं के मेयर के बाद पहली बार डिप्टी मेयर पद पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा 3 नवगठित सहित 10 नगर पालिकाओं के फिर से गठन की अधिसूचना जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग 258 नगर पालिकाओं के निर्वाचन की तैयारी में जुटा हुआ है। इधर 3 नई नगर पालिकाओं के गठन के साथ ही राज्य में अब नगर पालिकाओं की संख्या बढ़कर 261 हो गई है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से नवगठित, उत्क्रमित और सीमा विस्तारित नगर पालिकाओं के गठन के कारण राज्य निर्वाचन आयोग को नए सिरे से चुनावी तैयारी करना पड़ सकता है और इस बार चुनाव में देरी होने की पूरी उम्मीद भी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कंकड़बाग में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। योग करने से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में योग दिवस पर लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इसी बीच 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंगलवार को राजधानी पटना, गांधी नगर, कंकड़बाग स्थित ग्रीन पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुजीत कुमार, टीएन सिंह, शेखर गुप्ता, अमन पांडे, कुंदन गुप्ता सहित 50 लोगों ने हिस्सा लिया। योग दिवस के मौके पर लोगों ने योगा किया और प्रसन्न हुए।
कोरोना के बीच राहत भरी खबर। बिहार में कोरोना को लेकर आमजन की चिंता जायज है, लेकिन इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना के बीच राहत वाली खबर सामने आई है। राज्य में कोरोना संक्रमित 3 से 5 दिनों के भीतर स्वस्थ हो जा रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में मरीजों के ठीक होने में औसतन 5 से 8 दिन लग रहे थे, वहीं दूसरी लहर में स्वस्थ होने की अवधि बढ़कर 6 से 10 दिन हो गई। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमित मरीजों को ठीक होने में महज 3 से 6 दिन ही लग रहे थे, लेकिन अब यह अवधि घटकर 3 से 5 दिन हो गई है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह राज्य में करीब 300 मरीज मिले थे, जिनमें से 125 मरीज अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अनंत सिंह को मिली 10 साल की सजा। बिहार पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनंत सिंह को करीब 3 साल के बाद AK-47 मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। मालूम हो कि इसी महीने के 14 जून को अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट में दोषी करार दिया गया था, और अब अनंत सिंह को पटना की MP-MLA कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। हालांकि अनंत सिंह के वकील द्वारा पटना हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही गई है। आपको बता दें कि सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है। 2 साल से ज्यादा सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। ऐसे में अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के भी आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। महावीर मंदिर ने एक बार फिर बनाया रिकॉर्ड। बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में मशहूर राजधानी पटना के हनुमान मंदिर और वहां के प्रसाद में मिलने वाला नवेद्यम ने देश और दुनिया में अलग ही छाप छोड़ी है। इस बीच महावीर मंदिर ने अपने इतिहास का एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि पटना स्थित हनुमान मंदिर के इतिहास में पहली बार 1 महीने में 1 लाख किलो नवेद्यम बिका है। अप्रैल 2022 में लगभग 1.19 लाख किलोग्राम नवेद्यम की बिक्री हुई, वहीं मई महीने में भी ये आंकड़ा 1,17,000 किलो रहा। जून महीने के पहले 15 दिनों तक 58,822 किलोग्राम नवेद्यम की बिक्री हो चुकी है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल ने कहा है कि 1992 से मंदिर में नवेद्यम की बिक्री हो रही है। शुरुआत में हर महीने 500 किलोग्राम लड्डू बेचे जाते थे, जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आज भी 207 ट्रेनें रहेंगी रद्द। अग्निपथ योजना के विरोध में पिछले 6 दिनों से रेल सेवा बाधित है, वहीं रेल के जहां तहां रोके जाने पर और विधि व्यवस्था को लेकर मंगलवार को भी पूर्व मध्य रेल की तरफ से चलने वाली 207 ट्रेनें रद्द हैं। इनमें अलग अलग रेल मंडलों की ट्रेनें शामिल है। रद्द होने वाली प्रमुख ट्रेनों में मगध, संघमित्रा, पटना अहमदाबाद, हटिया इस्लामपुर शामिल है। दानापुर रेल मंडल की 23 ट्रेनें रद्द है। अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर हुए धरना प्रदर्शन को लेकर जहां तहां स्टेशनों पर रोक लगा दी गई है। इसे संबंधित स्टेशन पर ले जाने का काम भी हो रहा है। वहीं इसके साथ ही दूसरी तरफ 3 दिनों में रद्द रहने के बाद भी बीते दिन राजेंद्र नगर टर्मिनल से राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस खुली है। इससे इन दोनों से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों ने राहत की सांस ली है। आरसीपी सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर किया कटाक्ष। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का राज्यसभा में कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें आवंटित की गई सरकारी घर भी छीन ली गई है। इसके बाद पहली बार आरसीपी सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ी टिप्पणी की। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पूछा तो उन्होंने चोटिले अंदाज में कहा कि आज अच्छे दिन पर किनका नाम ले रहे हैं। आज योग दिवस है, भगवान बुद्ध की धरती है, सिर्फ बुद्ध का ही नाम लीजिए। अग्निपथ आंदोलन को लेकर भाजपा मंत्री ने विपक्ष को ठहराया जिम्मेदार। अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार 7 दिनों तक हुई हिंसा के बीच राज्य भर की कार्यव्यवस्था प्रभावित रही। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ करके भारी क्षति पहुंचाई है। इसके लिए बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा नेता रामसूरत रॉय ने विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भू राजस्व मंत्री रामसूरत रॉय ने कहा कि राजनीतिक गुंडों ने युवाओं के आंदोलन पर कब्जा कर लिया और पीएम नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए तुच्छ राजनीति हो रही है। आज मंगलवार को विश्व योग दिवस समारोह में पहुंचे भाजपा से मंत्री रामसूरत रॉय ने युवाओं के प्रदर्शन में आतंकियों का हाथ होने तक की आशंका जता दी है। मंत्री ने इसके लिए कांग्रेस पार्टी को भी जिम्मेदार ठहराया है। मंत्री ने यह भी कहा कि यह योजना नौजवानों के लिए बेहतरीन है, इसका फायदा उठाना चाहिए। अश्विन हुए कोरोना पॉजिटिव। इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए टीम में शामिल अधिकतर खिलाड़ी यूके पहुंच चुके हैं, मगर अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन कोविड-19 की चपेट में आने की वजह से अभी तक भारत में ही है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बीसीसीआई के एक सदस्य ने इसकी जानकारी दी है। दाएं हाथ का ये ऑफ स्पिनर अभी क्वारंटीन में है और रिपोर्ट के नेगेटिव आने के बाद ही इंग्लैंड के लिए उड़ान भर सकेगा। उन्होंने ये भी बताया है कि उम्मीद है कि इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई से होने वाले टेस्ट मैच के पहले वो ठीक हो जाएंगे। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव बरकरार है। बीते दिन जारी पिछले 24 घंटे के कोरोना के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 35 कोरोना के नए मामले मिले हैं। राज्य भर में कुल 57,678 सैंपल की जांच की गई, जिसके बाद पटना में सबसे अधिक 15 मामलों की पुष्टि हुई। वहीं अब राज्य भर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 312 हो गई है। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि आज जो मामले सामने आए हैं वो पिछले आंकड़ों के अनुसार कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी मंगलवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना के 9,923 नए मामले सामने आए और 17 लोगों की जान गई है। नए केसों में एक दिन पहले के मुकाबले तेजी से कमी आई है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, जितेंद्र कुमार, आकाश पटेल, रजय कुमार, श्याम यादव, चमन कुमार, कविता कुमारी, बलिराम पटेल, मिथिलेश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके जिले में भी इंटरनेट सुविधा ठप थी? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।